यूपी की सत्ता से बेदखल होने के करीब 5 महीने बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की सुधि आ ही गई। ताज नगरी आगरा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जहां पर कार्यकर्ताओं को वर्तमान सरकार की पोल खोलने के लिए प्रेरित किया गया, तो वहीं सपा शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही गई। आगरा में जिला और महानगर इकाई ने अलग अलग कार्यक्रम कर अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया। देखिए इस मौके पर महानगर सपा अध्यक्ष ने क्या कहा। सम्मेलन जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बरेली से चलकर पूर्व मंत्री जी श्री अताउर रहमान साहब, उन्होंने यह समीक्षा की और यहाँ कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी की आस्था में अपने जीवन को पूरी तरीके से फना करने के लिए तैयार है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और आगरा में हवा का कोई सांसद और विधायक ना होने के बावजूद आगरा में जिस तरीके का विकास हुआ आगरा की जनता जानती है। आज आगरा की जनता वो अपने आप को कोस रही है कि हमने समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिता क्यों नहीं भेजा, और आगे आने वाले नगर निगम के चुनाव के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने क्या तैयारी की है, हम निश्चित रूप से यहाँ मेयर का चुनाव भी जिताएंगे और अपने सारे सभासद भी जिताएंगे, क्योंकि आगरा के अंदर। बताते चले आपको कि सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सपा कार्यकर्ता अपना चेहरा चमकाने की होड़ का मुंह नहीं छोड़ सके। जिला इकाई के लिए पर्यवेक्षक बनकर आए पूर्व मंत्री राम निहोर यादव के सामने भी कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करने से बाज नहीं आए। सम्मेलन के दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साल 2019 में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। SPN 9 न्यूज के लिए आगरा से MM शर्मा की रिपोर्ट।